मुरादाबाद युवक ने लगाई नशा मुक्ति केंद्र के 3 लोगों पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप। एसएसपी व जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय व एसएसपी कार्यालय पहुंचे युवक ने एक शिकायती पत्र देते हुए महानगर में संचालित एक नशा मुक्ति केंद्र के इन लोगों पर मारपीट जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि शराब पीने का आदि था, उसके परिवार वालों ने शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, जहाँ पर उसके साथ लगातार 41 दिन नशा मुक्ति केंद्र के 3 लोगों ने जमकर मारपीट की और उसका उत्पीड़न किया। युवक का यह भी आरोप है कि उसे ना तो खाना दिया जाता था और ना ही नशा छुड़ाने के लिए किसी प्रकार की कोई दवा दी जाती थी, उल्टा उसके साथ मारपीट की जाती थी। इस संबंध में उसने जिलाधिकारी व एसएसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए नशा मुक्ति केंद्र के 3 लोगों पर मारपीट के मामले में कार्यवाही की मांग की है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकिशन। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं जो नशा मुक्ति केंद्र गया था, मेरे घर वालों ने, कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पर भेज दिया था। मैं कुछ दारू मतलब शराब पीने का जो मैं नशा करता था, तो मुझे जो नशा छुड़ाने के लिए मुझे गुलाबबाड़ी श्री ऊर्जा नशा मुक्ति केंद्र जो मुझे भेजा, उन लोगों ने मुझे ना तो कोई गोली या कोई दवाई किसी प्रकार की नहीं दी और साथ में मेरा उत्पीड़न करा, मेरे साथ लाठी डंडों से मारपीट की और मेरे साथ बदतमीजी की। रूट खाना नहीं दिया, आधे पेट खाना दिया, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, और पूरे दिन काम मुझे कराना, बदतमीजी करना, जो गाली है बकना, गंदी गंदी गाली करना, काम कराना, उल्टा जो करना। मैं कोई मांस वगैरह, मीट मच्छी वगैरह मैं कुछ नहीं खाता था, उन लोगों ने मुझे वो भी खिलवाया। अच्छा, कितने टाइम से आप नशा मुक्ति केंद्र में थे? मैं वहाँ 41 दिन रहा था। ये कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ ये बात की? जो उसे सेंटर को चलाते हैं, एक जो है जो प्रबंधक हैं, जो वो है गौरव कुमार जो है, और दूसरे एक आकाश सिंह, और तीसरा एक रसोईया जो खाना वाना बनाता अनिकेत। इन लोगों ने मारपीट की है? इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे निशान मेरे कूल्हे पे और मेरे शरीर पे है, और जो है रोजाना बदतमीजी करी, मुझे लगभग 36 दिन लगातार उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी। जिस उद्देश्य से आपको नशा मुक्ति के भेजा गया था, यानी शराब छुड़ाने के लिए, वो छोड़ दिया आपने? मैं इस समय तो फिलहाल नहीं पी, मैंने अपनी जब से आया हूँ मैंने अपनी उससे ही नहीं पिया, पर उन्होंने मुझे उस किसी प्रकार का नशा छुड़ानी, कोई किसी प्रकार की ना दवाई दी और ना ही किसी प्रकार का मुझे। बाहर कैसे आए आप? बाहर मैं जब मेरी माँ और मेरी बहन और जो मेरी वाइफ मिलने के लिए गई मुझसे, जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत दुबला हो गया, मेरे शरीर में ब्लड भी बहुत कम है और मैं हाथ पैर मेरे सुनने से रह रहे हैं और जो मैं बहुत परेशान हूँ, उन्होंने देखा। इस समय मुझे जो वहाँ पे भेजा था, तो मैं उस समय बहुत अच्छा, मतलब रिपन मेरे आपके परिजनों ने निकाला वहाँ से? हाँ, 60 किलो मेरे अंदर। अच्छा, इसकी शिकायत किस किस से की आपने? इसी की शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय जी से की है और ये एसएसपी ऑफिस में एस पी साहब। क्या चाहते हैं इसमें आप? मैं ये चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ ये जो फ्रॉड उन्होंने ये धंधा चला रखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई। जब आप